Hello dear students, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK Miracle of English. We are going to discuss class 10th English Footprints Without Feet, lesson number 3, The Midnight Visitor. If you visit first time, please subscribe the channel and press bell icon near it so that every notification of coming video reach You, my dear students, आज हम क्लास 10th इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के लेसन नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं। यदि आपने पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे इसके बदले कोई शुल्क नहीं लिया जाता है और पास में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि प्रत्येक वीडियो बनते ही आपके पास पहुँच जाए। मेहनत करते रहिए, निश्चित रूप से आप अच्छे मार्क्स अर्जन प्राप्त करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है लेसन नंबर 3 मिडनाइट विजिटर के क्वेश्चंस आंसर हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट आंसर डिस्कस करेंगे फिर लॉन्ग आंसर। हमने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम में आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, How did Max manage to come inside the room and buy? जो Max था किस तरह से कमरे में प्रवेश करता है और क्यों करता है? आंसर है Max came inside the room with the help of a stolen pass key. He came to steal a secret document. जो Max है कमरे में एक उसके पास पास की थी, एक चाबी थी, दूसरी चाबी थी, उससे वो चुराई हुई चाबी थी, उसके द्वारा कमरे में प्रवेश करता है और उसके कमरे में प्रवेश करने का उद्देश्य था एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट चुराना। एक गुप्त डॉक्यूमेंट था, उसको चुराने के लिए उसने कमरे में प्रवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड मैक्स डाई? मैक्स कैसे मर जाता है? मैक्स जंप्ड फ्रॉम द सिक्स्थ फ्लोर विंडो ऑफ मिस्टर ऑसवेल्स हाउस एंड डाइड। क्या करता है जब मैक्स को ऑसवेल कुछ इस तरह की कहानी मनगढ़ंत सुनाता है जिससे वो घबरा जाता है कि पुलिस गेट पर खड़ी है, और वो क्या करता है कि मैक्स का जो छठी मंजिल पर कमरा था उसके फ्लोर से विंडो से होकर से नीचे जंप करता है और वह मर जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, व्हाई डिड फाउलर वांट टू मीट ऑसवेल बाज ही सक्सेसफुल इन हिज एम? फाउलर ऑसवेल से क्यों मिलना चाहता था? क्या वह अपने उद्देश्य में सफल हुआ? तो फाउलर वांटेड टू मीट ऑसवेल बिकॉज ही वॉज अ राइटर ऑफ रोमांटिक एंड मिस्ट्री स्टोरीज, सो ही वॉन्टेड टू सम सो ही वॉन्टेड टू सम डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम ऑसवेल फॉर हिज स्टोरी। यस, ही वॉज सक्सेसफुल इन गेटिंग द स्टोरी। फॉलर ऑसवेल से इसलिए मिलना चाहता था क्योंकि वह एक रोमांटिक और रहस्य कहानियों का लेखक था और वह कुछ ऑसवेल से अपनी कहानी बनाने के लिए उसे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत थी और अंत में वह अपनी स्टोरी के लिए इन्हें प्राप्त करने में सफल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डिड फाउलर फील डिसअपॉइंटेड बहन ही, देखिए यहाँ पर मीट नहीं, एम ई टी मीट सेकेंड फॉर्म बना लीजिए,
आसवेल, मतलब जब वह ऑसवेल से मिलता है तो फाउलर निराश क्यों हो जाता है? आंसर में दिया है, फाउलर फेल्ट डिसअपॉइंटेड आफ्टर मीटिंग आसवेल बिकॉज ही डिड नॉट फिट इनटू फाउलर्स स्टोरी एज ए डिटेक्टिव। ये हमारा यहाँ से इसका आंसर है, क्योंकि फाउलर फेल्ट डिसअपॉइंटेड इसलिए निराश होता है क्योंकि उसकी स्टोरी के मुताबिक एक जासूस के रूप में उसकी स्टोरी बनाना था, तो जो आसवेल था वो फिट नहीं था क्योंकि छोटा था, नाटा था, तो उसके लिए वो निराश था कि शायद ये स्टोरी में जासूसी के लिए सही उपयुक्त करेक्टर नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज हियर, हाउ डिड आसवेल गेट रिड ऑफ मैक्स। देखिए यहाँ पर जो ऑसवेल है, AUSABLE, ऑसवेल, ये वाली स्पेलिंग पढ़ेंगे। हाउ डिड ऑसवेल गेट रिड ऑफ मैक्स? आंसर में है, ऑसवेल मेड अप ए फिक्शनल स्टोरी इन विच ही सेड दैट ही हैड अ बालकनी बिलो हिज रूम एंड व्हेन द वेटर नॉक्ड एट द डोर ही सेड देयर वुड बी पुलिस एट द डोर। हियरिंग दिस मैक्स जंप्स डाउन फ्रॉम द विंडो टू एस्केप द पुलिस, दस ऑसवेल गॉट रिड ऑफ मैक्स। ऑसवेल एक काल्पनिक कहानी बनाता है और इसमें कहता है कि उसके एक कमरे की नीचे एक बालकनी है और जब वेटर दरवाजे पर खटखटाता है तो वह कहता है कि शायद वहाँ पुलिस होगी, और इसे सुनकर के मैक्स उसकी विंडो से होकर पुलिस से बचने के लिए कूद जाता है और इस तरह से ऑसवेल मैक्स से छुटकारा पा लेता है। ये 5 हमारे शॉर्ट आंसर थे स्टूडेंट्स। अब लॉन्ग आंसर की बारी आती है, केवल एक ही लॉन्ग आंसर रखा है हमने, बाकी आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट है। गिव अ करेक्ट स्केच ऑफ ऑसवेल, आपको ऑसवेल का करेक्टर स्केच लिखना है, चित्रण करना है उसका। देखते हैं, ऑसवेल वाज ए सीक्रेट एजेंट, ही वाज वेरी फैट बट ही वाज वेरी अलर्ट इन हिज माइंड, ही स्पोक इन एन अमेरिकन एसेंट दैट ही हैड लर्नड 20 years अर्लियर इन बोस्टन, ही कुड ऑल्सो स्पीक फ्रेंच एंड जर्मन, ही हैड अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड सीक्रेट डॉक्यूमेंट दैट मैक्स केम टू हिज रूम विद अ गन टू स्टील, ही आउटविटेड मैक्स बाई हिज मेंटल पावर, ही कंकोक्टेड ए फिक्शनल स्टोरी अबाउट द बालकनी एंड द पुलिस टू फूल मैक्स, हिज स्टोरी वाज सो विलेबल दैट मैक्स जंप डाउन फ्रॉम द विंडो टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द पुलिस, व्हेन ही टॉक्ड अबाउट इट विद फाउलर हिज सेंस ऑफ ह्यूमर वाज वेरी गुड। इन दिस वे वी सी दैट ऑसवेल इज ए स्पाई विद एन एक्टिव माइंड। आइए इसका थोड़ा सेंस देख लेते हैं। यस, ऑसवेल एक गुप्तचर होता है, वह बहुत मोटा है लेकिन उसका दिमाग काफी अलर्ट है, वह अमेरिकन बोलता है क्योंकि उसने 20 साल अमेरिकन में रह करके अमेरिका का निवासी था, तो 20 साल तक रहा था बोस्टन में, और वह फ्रेंच और जर्मन भी बोल सकता था। वह बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट उसके पास था जिसे मैक्स अपने गन के साथ उसके कमरे में डॉक्यूमेंट चुराने के लिए एंट्री करता है, और वह अपनी चातुरता बड़ी बुद्धि के बल से उसे यहाँ से विदा कर देता है। अपने दिमाग में एक कहानी रचता है और बताता है कि बालकनी और पुलिस के बारे में ऐसी कहानी बना करके मैक्स को मूर्ख बना देता है, और उसकी कहानी पर इतना विश्वास कर लिया जाता है कि मैक्स ये सुन करके, उसकी कहानी सुन करके उसकी विंडो से
अपने आप को पुलिस से बचाने के लिए कूद जाता है। और जब वह इस तरह की सभी बातें फॉलोअप के लिए